मदनान और मैं आपके प्यारे चैनल फैंटम टेक्स से बोल रहा हूँ। यहाँ पे फैंटम टेक्स में हम आपको सिखाएंगे कि पाइथन के अंदर कोडिंग कैसे की जाती है। आप जानते हैं कि बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है मार्केट में कोडिंग लैंग्वेजेस, और जो कंप्यूटर साइंस के फील्ड वाले हैं जिन्हें आगे जाके कोडिंग लैंग्वेज के अंदर करियर ऑप्ट करना है, टॉप 10 कोर्सेज पे आप सर्च मारते हैं नेट पे तो आपको सबसे पहले AI डिजाइनिंग, AI एनालिसिस, डाटा एनालिसिस और बहुत सारे कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स मिलते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग से होते हैं। उन सभी के अंदर कोई ना कोई कोडिंग लैंग्वेज का यूज होता है। जैसे बहुत सारे आप अमेजोन फेसबुक से ऐप देखते हैं, इनके बैकएंड में फ्रंट एंड के अंदर ये सारी सारे लैंग्वेजेस यूज होती हैं कोडिंग करने के लिए। कोडिंग के अंदर बहुत सारे लैंग्वेज, सबसे पहले CI, फिर C++ है उसका एक्सटेंशन, जिसके अंदर हम ऊप्स पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इस पाइथन में भी करेंगे। सो फैंटम टेक चैनल में ये मेरा पहला वीडियो जिसके अंदर मैं आपको पाइथन के अंदर सिखाऊँ। सबसे पहले तो आप जाके अपना आइडियली खोल लेंगे, उसके अंदर जाके यहाँ से न्यू फाइल से आप कोई भी एक नई फाइल बनाएंगे, उसे यहाँ पे सेव करेंगे एंड देन हम अपना पहला सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने इसको फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आप इसे सिंपल सेव कर सकते हैं, मेरे डेस्कटॉप पे भी सेव करें जिससे हमें ये आसानी से मिल सके। एंड देन अब मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि सबसे पहले फर्स्ट प्रोग्राम जिसे हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कहते हैं उसे कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो कुछ चीजें से आपको करनी हो सकती हैं, आपको अपने चीजें याद करने के लिए कि यहाँ पे इस कोड पर्टिकुलर में क्या करता हूँ, उसके लिए कमेंट्स का यूज करते हैं। कमेंट्स ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे कोडिंग लाइन्स होती हैं जो कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता है। पाइथन के अंदर हम इंटरप्रेटर लेते हैं और C++ के अंदर हम कंपाइलर का यूज करते हैं। इंटरप्रेटर आपको एक लाइन का पर्टिकुलर इंटरप्रेट करके बताता है, और कंपाइलर के अंदर सारी की सारी चीजें पूरे के पूरे सेंटेंसेस, पूरा का पूरा कोड कंपाइल करा जाता है एंड देन आपको उसका आउटपुट दिया जाता है। सबसे तो पहले हम यहाँ पे कमेंट डालेंगे और यहाँ पे हम फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन लिख दूंगा, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। अब जो नेक्स्ट लाइन से हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि हमें ऐसे कोई सबसे पहला प्रोग्राम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड का, तो फर्स्ट प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड में सिंपल आपको प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना है। आपको कोई भी कैरेक्टर अगर शो कराना है स्क्रीन पे, आप कोई भी नंबर शो कराना है, तो उसके लिए बेसिक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपको लिखना पड़ता है अपने कोड को, उसके सिवा किसी और फॉर्मेट में वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। जैसे हमने प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट लिखी और इसी प्रिंट स्टेटमेंट का पूरा सिंटैक्स ऐसे रहेगा, इसमें P कैपिटल या R कैपिटल या RI ऐसे कुछ भी कैपिटल ऐसा नहीं होगा, इसमें सिंटैक्स एक पर्टिकुलर सिंटैक्स रहेगा यही रहेगा। तो इसके अंदर आप यहाँ पे जाएंगे, यहीं ब्रैकेट्स के अंदर कोलोन्स लगाने के बाद आप कुछ भी लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब ये जो प्रोग्राम है हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और मैं आपको इसका रन करके भी दिखा देता हूँ। F5 से आप रन कर सकते हैं, सेव करना पड़ेगा, फिर ये देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ प्रिंट हो गया। अब ऐसे ही मैं अगर कोई दूसरी चीज आपको प्रिंट करके दिखाऊं, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा माय नेम इज अदनान, माय नेम इज अदनान। अब यहाँ पे सोर्स सेव करना है, आपको कंट्रोल एस से, अब यहाँ पे लिखेगा माय नेम इज अदनान। आप ऐसे कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको जब पैटर्न्स का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, जब हम लूप्स पढ़ेंगे या फिर हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे, देन आपको ये एक बड़ा काम आता है। इसके अंदर अब आप एंड लगा के नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर सकते हैं, या फिर स्लैश एन से भी आप यूज कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। इसके अंदर हम बेसिक कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस वो सब पढ़ेंगे, बट सबसे पहले मुझे आपको ये फील बताना था कि पाइथन में और C++ में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे आपने लिखी और आपका फर्स्ट प्रोग्राम प्रिंट हो गया। अब ऐसे ही मैं इसको यहाँ पे आपको पाइथन का लिखा हुआ, अब मैं आपको दिखा देता हूँ C++ का, जिसमें रन नहीं होगा बट आपको नॉलेज के लिए मिल जाएगा। C++ उसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज होती हैं उन्हें इंपोर्ट किया जाता है, जैसे इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हो गई, ये एक लाइब्रेरी हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पे हम यूजिंग नेम स्पेस STD करके लिखते हैं। यहाँ पे यहाँ आप देख रहे हो सेमी कोलन लगाया गया है। सी के अंदर C++ के अंदर कोई भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए, कोई स्टेटमेंट एंड हो रही है उसके लिए होता है। फिर यहाँ पे हम इंट मेन, अभी जो इंट मेन होता है ये एक फंक्शन होता है जहाँ जो एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होगा, अब इसके अंदर ये हो गया। अब देन करने के बाद आपने यहाँ पे लिखा काउट, कैरेक्टर आउट उसका बेसिक पूरा का पूरा फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर आउट। और हाँ, यहाँ पाइथन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पे सिंटैक्स को कभी कभार पैटर्न्स के फॉर्मेट में आपको कुछ चेंज भी करना पड़ सकता है, बाकी जो इसके अंदर जो सिंटैक्स होता है वो अपने आप सेम ही रहता है। जैसे आपने एंटर मारा किसी लाइन के एंड होने के बाद, वो अपने आप जहाँ पे आपका सिंटैक्स पाइथन के इंटरप्रेट के अकॉर्डिंग ठीक होगा वो अपने आप आ जाए। ये बहुत ही ईजी और बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज तभी से कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर
इंटरेक्ट करती है उससे, बट हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेजेस हैं, जो उसके अल्फाबेट्स यूज होते हैं और जो हमारे सेंटेंसेस हम डे टू डे लाइफ में इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, उन सभी को लेके पाइथन यूज करते हैं, तभी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। और तभी सी प्लस प्लस और सी जो है एक आप कह सकते हैं कि मीडियम लेवल है, लेकिन हम बहुत लो लेवल का भी नहीं कह सकते, बट हाँ यस दे आर नॉट हाई लेवल लैंग्वेज लाइक पाइथन। पाइथन इज अ न्यू लैंग्वेज टोटली। काउट करने के बाद हमने ऐसे करा, अब इसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। दिस इज द बेसिक फॉर्मेट। यहाँ पे आप ये खुद ही देख सकते हैं कि पाइथन इतनी ज्यादा एडवांस है कि यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट से आप कोई भी सेंटेंस को, किसी को भी आउटपुट करके आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। बट यहीं पे सी और सी प्लस प्लस के अंदर जब आपको कोई भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराना होता है, तो उसके लिए आपको इतनी सारी लाइन्स लिखनी पड़ती हैं, आपको इम्पोर्ट करानी पड़ती है, फिर उसके बाद एक स्टेट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है उसके अंदर जाना पड़ता है, फिर वहां पे सी ओ यू टी कैरेक्टर आउट करके एक स्टेटमेंट होती है, उससे आप कोई भी कैरेक्टर को आउट करा सकते हैं, यानी उसका आउटपुट आपको मिलेगा, वो उसके लिए भी आपको फंक्शंस के अंदर यूज करके जाना पड़ता है। सो ये होगा पाइथन का बेसिक इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच।